खरगोन जिले के भगवानपुरा विकास खंड के ग्राम गढ़ी में रेत परिवहन के विरोध में ग्रामीण और ठेकेदार के बीच जमकर विवाद हुआ, जो कि विवाद इतना बढ़ गया कि बात बंदूक फायरिंग तक जा पहुंची। लिहाजा मामले में बिस्तान थाने पर पहुंचकर ठेकेदार ने चार लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करा दिया। वहीं ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और अजाक्स थाने का घेराव किया। इस दौरान गांव के सरपंच ने ठेकेदार पर आरोप लगाया कि उक्त व्यक्ति ने विवाद करके फायरिंग की, जबकि थाने पर हमारे खिलाफ मामला पंजीबद्ध हुआ है, जो पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान है। ग्रामीणों ने आवेदन सौंप कर जांच करके FIR दर्ज करने की मांग की है। वहीं अजाक्स थाना प्रभारी PR डाबर ने मामले की जांच करके उचित कार्रवाई की बात कही। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। मैं घर से बाहर निकला, वो उधर से चिल्ला चोट करके आ रहे थे और वो बोले कि रुक जाओ गोली मार देंगे करके। तो गाड़ी बोलेरो भी थी और ट्रैक्टर बीच में था, बोलेरो साइड में थी और बाइक थी। उसके बाद वो चिल्ला रहे थे, मैंने दौड़ा कि भाई क्या हो गया। तो वो बोले कि तुम कौन हो यहाँ के? मैं कहा यहाँ का मैं सरपंच हूँ यहाँ का। मैंने ऐसा बोला उनको, तो बोले हट जाने तो गोली मार देंगे। मैं जो छाती में अटका दिया। उसके बाद फिर मैंने कहा यार गोली क्यों मारेगा, मैं सरपंच हूँ यहाँ का। तो बोली नहीं हट जा, गोली मार दूंगा तेरे को। गोली मारने के बाद मैंने उसको गोली हटाया, पाइप पकड़ उसका नली पकड़ के बाद उसके बाद फायरिंग कर दी, उसने बंदूक चला दी। फिर अगर मैं नहीं हटाता तो मेरे को तो जान से खत्म हो जाता, नहीं खतरा हो रहता नहीं मेरे को। फिर वो लोग थे, कोई थे ठेकेदार लोग थे ये है ना, कोई क्या मालूम ऐसा सुनने में आया। तो उसके बाद उनको हमने दो को पकड़ लिया, फिर उनको थाने हवाले कर दिया। और मतलब जैसे हमने सूचना दी थाने पे कि भाई यहाँ दंगा हो गया है, ऐसी ऐसी बात है, फायरिंग हो गई है, और जल्दी से जल्दी आओ थाने पे सूचना दी। फिर पुलिस गई, फिर उनको बचा लिया, उनके बाद उनको हमने पहुँचा दिया। फिर हम लोग भी गए वहाँ पे। उसके बाद ये भाई क्या क्या नाम था उनका, तो वो फिर मैं वहाँ जाके पूछा कौन कौन है। तो उसके बाद ये नाम हमने लिख के लाया सर। इसके बाद मेरे को ये नाम मुझे धीर सिंह तुमर और उसके अजब सिंह वो गनमैन है। वो पिस्तौल चालू करी बंदूक मेरे पे, और फोन और अनिल और फिर ढोलू बनेर दिनेश यादव खरगोन लखन यादव खरगोन का लोग भी साहब वहाँ पे थाने पे गए थे घटना के बाद। हाँ घटने पर थाने पे गए हम लोग। फिर वो आवेदन बोले सब चलो ठंडे, हमने रात भर हो गए सर। फिर वहाँ हमको बिठा रखा, उन लोगों को बिठा रखा। उसके बाद फिर वो आदमी बोले थाने पर बोले कि हम आवेदन लिख रहे हैं दोनों पार्टी के, तो अपन जो भी कार्रवाई होगी, जो जांच होगी, तो उसके बाद रिपोर्ट करेंगे। तो वहाँ पे क्या शिकायत नहीं हुई, इसलिए आप थाने में पहुंचे? कोई कार्रवाई नहीं। आप लोग आज यहाँ पे, वहाँ पे हमारे सिवाय रिपोर्ट कायम हो गई है उनके खिलाफ। हमारे से हम चार लोगों का हमारे से रिपोर्ट कायम हुई। उसके बाद हमको यहाँ आना पड़ा भाई। हाँ एक जो रिपोर्ट हमारी भी वहाँ पे लिखना था कि क्रास तो होना था, बंदूक वहाँ पर चले, बंदूक वहाँ चले। अगर ये बंदूक किसकी थी? वो उनकी थी, गनमैन की। थाना अजाक में दिस्टान थाने के लोग जो आदिवासी समाज के हैं, इनके साथ कोई घटना हुई थी रेत विवाद को लेके। वो क्या घटना हुई है वहाँ तो मुकदमा कायम है, लेकिन इनका भी कहना है कि इनके साथ भी घटना हुई है मारपीट की गाली गलौज। तो ये लोग सब इकट्ठा होकर आए थे, उनको समझाई दी मैंने कि इस तरीके से किसी भी बात को रखने का तरीका नहीं है। इस बात पे से ये लोग सब मान गए हैं और इन्हें आवेदन दिया है मुझे। मैं PI से जाँच करवा रहा हूँ, दो दिन का उनको मौका दिया है। यदि इनकी तरफ भी इसे भी कोई अफवाह है गलत, तो हम उसमें भी कार्रवाई करेंगे हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से राय लेकर। थाने का घेराव करने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या बोले थाने घेराव नहीं, इकट्ठे होके आए हैं, गांव के लोग हैं, इस चीज को ज्यादा ठीक है, अपनी बात रखने के लिए आ गए थे और मान भी गए, समझा दिए गए। Subscribe now to most exciting channel ever.